गणपति भगवान की कथा सुनने से पहले आप हाथ में अक्षत और फूल ले लें। कोशिश करें कि कथा के दौरान किसी भी तरीके का विघ्न न हो, लेकिन अगर छोटे बच्चों के कारण या फिर बड़े बूढ़ों के कारण उठना पड़े तो आप क्षमा मांग के आप वहाँ से उठ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बृहस्पति भगवान की जय कथा। बृहस्पति भगवान। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर भूखे और गरीबों को दान पुण्य देकर पुण्य कमाया करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए। घर पर सिर्फ रानी और दासी ही थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगने के लिए कहा तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो काफी तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम की सांस ले सकूं। देव ने कहा, धन से कोई दुखी नहीं होता। अब विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ जिससे तुम्हारे दोनों लोगों सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को कोई खुशी नहीं। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान कर दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरे का सेवन करना, कपड़ा धोबी को यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार बृहस्पतिवार तुम ऐसा करना, तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना करके साधु महाराज वहां से चले गए। साधु महाराज की कही अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी केवल तीन बरस पे तवारी बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा को परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मुझे कोई छोटा कार्य नहीं करने देगा। ऐसा करके राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। पर जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के नाम पे कुछ भी नसीब नहीं हुआ, तब रानी परेशान होकर अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है, वो बहुत ही धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ दिन के लिए खाने भर का अनाज मांग लाओ। रानी के कहने पर दासी उसकी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उसी समय बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को कई बार अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन के पास से कोई उत्तर नहीं आया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सब बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं कह पाई क्योंकि मैं कथा में बैठी थी, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। ना सुनकर और पूजन समाप्त करके तब अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत की कथा कह रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक तो ना उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, तुम्हारी दासी मेरे पास क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते उसने दासी समेत पिछले 7 दिन में भूखे रहने की बात कही, अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने से उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ा ही हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इसमें इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी इस व्रत को कर सकें। तब रानी ने अपने बहन को बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की किले के जल में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन भी करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और भोजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से बिछाकर वो चना और गुड़ बीन लाई, फिर उससे केले के जल में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया।
उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, देखो तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सब भी धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति भगवान की कृपा से तुम्हें ये सब धन मिला है, तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तुम्हें यह धन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन खिलाना चाहिए, धन और शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। सभी खुशियां वापस आने के बावजूद एक दिन दासी ने देखा कि उसकी रानी उदास बैठी है। तब दासी ने अपनी रानी से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब रानी ने कहा कि ना जाने मेरे राजा किस हाल में होंगे और कहाँ होंगे, काश भगवान बृहस्पति भगवान की कृपा से मेरे राजा सकुशल घर वापस आ जाएं। उधर राजा एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद कर व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था, एकाएक उसके साथ उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस इंसान जंगल में तू किस चिंता में पड़ा है। लकड़हारे ने दोनों हाथें जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा। साधु को आत्ममत कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का अनिरादर किया है, जिसके कारण भगवान विष्णु तुमसे दुष्ट हो गए और उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएंगे और भगवान पहले जिसे भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, दो पैसे के चार मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार या सुनने वालों को वो जल दिया करो और खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसा कहने पर ऐसे वचन सुनकर लकड़हारे को बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खोज खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में लाकर भेजो, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे। बृहस्पति देव के पूजा के समान या और बस समान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर किसी भी शहर में बेचने गया और उस दिन न जाने कैसे उसे दिन में दुगना पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान फिर से नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ किया और यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में चूल्हा ना जलावे, सब राजा के घर में आके वहां पे भोजन करेंगे। इस आज्ञा का जो न मानेगा उसे इसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर में ले गए और वहां ले जाकर भोजन कराया। वहां पर खूंटी पर रानी का एक हार टंगा हुआ था और वह नहीं दिखाई देने पर रानी ने निश्चय किया कि यही इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया है, क्योंकि बाकी सबने तो बाहर भोजन किया, बस इकलौता यही एक मनुष्य है जो घर में आकर भोजन किया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी रहने लगा तो विचार करने लगा कि न जाने किस जन्मों के फल को वो इतना दुख प्राप्त हुआ है। उसे कारागार में पड़े पड़े वो उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर वहां प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर ही तुझे चार पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजन करना, तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन उसे चार पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उसी नगर के राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया वह सर्वथा निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा सारा राज्यपाट नष्ट हो जाएगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और हार को खूंटी पर ही पाया। तब उसने राजा को यानी लकड़हारे को वहां बुलाकर फिर से क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को राजयोग्य वस्त्र आभूषण देकर वहां से विदा किया। बृहस्पति देव के आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया।
राजा जब अपने नगर को निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत ही सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए दिखाई दिए। राजा ने पूछा कि यह सब किसका बाग और धर्मशाला है। नगर के सब लोगों ने कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये शंका थी कि रानी ने कहीं किसी गलत कार्य करने से ये सारा धन तो नहीं वापस ले लिया। इन्हें यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए कुछ गलत समझकर, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध में आकर रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से हुआ है, प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहा करती थी। दिन में 3 बार वो कहानी कहा करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ है। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने आयु, बृहस्पति मेरी जरा बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। तभी वहाँ के लोगों ने कहा कि अरे यहाँ पे हमारे यहाँ कोई आदमी मरा पड़ा और इसे अपनी कथा की पढ़िए। फिर जैसे तैसे राजा ने सबको मना कर उन्हें रोक कर अपनी कथा कहने लगा। कथा आधी ही हो चली थी कि वो मुर्दा हिलने लगा और ज्यों ही कथा समाप्त हुई वो मुर्दा मनुष्य में राम राम कहकर मनुष्य की तरह उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल जोत रहा था। राजा ने उससे कहा कि हे भैया तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा की हड्डी बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके और किसान के पेट में भयंकर ही पीड़ा होने लगी। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गए, उससे बोला कि पुत्र मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, मुझे अपनी कथा सुना, लेकिन तू ये कथा मेरे खेत में आकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई और यह सुनते ही उसके बैल खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई के खूब मन मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने यहाँ पे भोजन ना किया हो, मुझे अपनी बृहस्पतिवार की कथा उसे सुनानी है। बहन बोली कि भैया क्या देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग उठकर भोजन करके बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख के बताती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। भोजन न किया जिसने अदा, वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत दिन से बीमार था। ऐसा मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो रोज राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से आज्ञा मांगी। उसकी सास ने कहा कि चले जा, लेकिन परंतु बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि तेरा भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया मैं तो चलूंगी, परंतु बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तुम वहाँ पे जाके क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सब बात कह सुनाई। हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुश हुई। 9वें महीने उसके गर्भ में एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यहाँ शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भैया के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आया, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली कि भाभी मैं यदि इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में मनोकामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी की पूजा व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया है तो उसकी सभी इच्छाएँ बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की है। इसलिए पूर्ण
कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।